Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. You're watching Biology Basics with SM. Discuss karenge aaj sexual reproduction in plants. और प्लांट्स में भी बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे. फ्लावरिंग प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे और एंजियोस्पर्म्स की जब हमने लास्ट टाइम अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन के टॉपिक को डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये देख लिया था कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट जेनरेशन की वो डिप्लॉयड होती है. डिप्लॉयड मीन्स 2N. अब किसी भी एंजियोस्पर्म में जिस तरह प्लांट के और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है, लीव्स है उसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, रूट्स का, ट्रंक्स का, हर चीज़ का अपना एक फंक्शन है, तो इसी तरह से फ्लावर का भी अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है. सो बेसिकली फ्लावर इज़ द बेसिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स. ठीक है. अब फ्लावर भी जो है वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा और इसके भी फर्दर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक रोल है जो है वो रिप्रोडक्शन में. कुछ रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करेंगे पार्ट्स फ्लावर के और कुछ रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले नहीं करेंगे. अगर फ्लावर के हम स्ट्रक्चर को अपने हाथ में पकड़ कर देखें, उस पर गौर करें, तो हमें पता चलता है कि फ्लावर जो है वो चार लेयर्स पर या फोर वर्ल्ड्स पर मुश्तमिल है. देयर आर टोटल फोर वर्ल्ड्स ऑफ अ फ्लावर. बेसिकली दीज वर्ल्ड्स आर नोन एज कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम. अब ये जो दो टर्म्स हैं कैलेक्स और कोरोला, ये सुनने में नहीं है लेकिन इससे पहले आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में इन टर्म्स को सेपल्स और पेटल्स के नाम से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. कैलेक्स जो है वो सेपल्स को कहा जाता है और कोरोला जो है वो पेटल्स को कहा जाता है जो कि कलरफुल होते हैं. सेपल्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर जबकि पेटल्स जो हैं दे आर मोस्टली ऑफ डिफरेंट कलर्स. हर फ्लावर में इसके डिफरेंट कलर्स होंगे. सेपल्स का अगर हम फंक्शन डिस्कस करें तो क्या फंक्शन है सेपल्स का? एक ग्रोन अप फ्लावर में तो इसका शायद उस तरह से कोई फंक्शन नज़र नहीं आता है लेकिन जब एक फ्लावर अपनी बर्ड कंडीशन में होता है, जब अभी वो खिला नहीं होता, तो यही जो सेपल का पोर्शन है ये उस बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है टूवर्ड्स विंड और इंसेक्ट्स और एनी अदर हार्मफुल फैक्टर. जबकि जो पेटल्स हैं, जो कोरोला का पार्ट है जो कि कैलिक्स के अंदर आएगा यानी कि सेपल्स के अंदर आता है, ये अक्सर आपने देखा है दीज आर ब्राइटली कलर्ड. और आज तक आपने यही इसमें पढ़ा हुआ है कि फ्लावर जो है वो बेसिकली इतना कलरफुल इसलिए होता है ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके. और इंसेक्ट्स अट्रैक्ट क्यों होते हैं इस पर? क्योंकि जो है वो इसमें नेक्टर मौजूद होता है और नेक्टर को ये डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, बीज हैं, ये फ्लावर में से सक करके ले जाती हैं और उसका हनी यानी कि शहद बनाती हैं. बट Here the case is different. यहाँ पर insects का जो है वो attract होना petals की तरफ इसलिए है क्योंकि insects की legs पर different pollen grains attach हुए होते हैं और जब ये flower के ऊपर nectar लेने के लिए आती हैं तो इनकी legs पर से वो pollen grains flower के ऊपर गिर जाते हैं. किस पोर्शन पे गिरते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं. और यही जो पोलन ग्रेन्स हैं जब ये फ्लावर के ऊपर गिरते हैं तो ये उस फ्लावर की रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं. सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से कि कोरोला यानी कि जो पेटल्स का कलरफुल पार्ट है ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में और रिप्रोडक्शन करवाने में फ्लावर की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके बाद अच्छा एक चीज़ इसमें डिस्कस करना ज़रूरी है कि कैलेक्स और कोरोला जो हैं दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स और एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो हैं दीज आर द रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स ऑफ द फ्लावर. ओके. थर्ड वर्ल्ड की बात करें इट इज़ द एंड्रोशियम और एंड्रोशियम जो है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. येस इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और इसके यूनिट्स को स्टेमन कहते हैं. यहाँ पर अगर अब आप डायग्राम में नोटिस करें तो ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये स्टेमन है जिसमें अपर पोर्शन थोड़ा सा येलो राउंडिश येलोइश है, राउंड है और उससे नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल है, ट्यूब की तरह का है और ग्रीन इन कलर है. अब इसमें ये जो येलो पोर्शन है इसको एंथर कहा जाता है और जो नीचे वाला ग्रीन पोर्शन है इसको फिलामेंट कहा जाता है. सो बेसिकली एंड्रोशियम
किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, स्टेमन से मिलकर बना हुआ है। और स्टेमन इट्सेल्फ क्या चीज़ है, इसमें एंथर मौजूद है और फिलामेंट मौजूद है। नाउ लेट मी क्लियर यू हियर कि ये जो एंथर है ये एक पोलन सैक है, ठीक है। पोलन सैक बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स या जिसको आप आज तक पोलन ग्रेन्स कहते आए हैं वो डिवेलप होते हैं या बनते हैं। कैसे बनते हैं, आगे कहाँ जाते हैं, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फोर्थ वर्ल की बात करें तो इट इज़ द गाइनोशियम, एंड गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। येस, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और गाइनोशियम की जो यूनिट्स हैं इन्हें कार्पल्स कहा जाता है, कार्पल को पिस्टल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इस डायग्राम में अगर आप देखें तो कार्पल जो है वो भी बेसिकली आगे थ्री पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, खुदा की कुदरत। यू कैन सी हियर कि जो सबसे अपर पोर्शन है कार्पल का, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वो एक स्टिकी पोर्शन है, और यही वो पोर्शन है जहाँ पर हवा से या इंसेक्ट के पाँव से या किसी भी और सोर्स से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आकर स्टिक कर जाते हैं, ठीक है ना। इट इज़ स्टिकी इन नेचर। स्टिग्मा से नीचे ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, एंड इट इज़ कॉल्ड एज द स्टाइल। स्टाइल से नीचे की तरफ जब आप आते जाएंगे तो एक स्वेलन पोर्शन है, एक जो है वो उभरा हुआ सा पोर्शन है, थोड़ा सा स्वेल्ड अप पोर्शन है, और इसको कहा जाता है ओवरी। और इस ओवरी के अंदर मौजूद होंगे बहुत से ओव्यूल्स, ठीक है। अब यही जो स्ट्रक्चर है कार्पल का या आप कह लें कि ओवरी का, तो या ओव्यूल का बेसिकली, तो ओव्यूल के अंदर मौजूद होते हैं माइक्रोस्पोर। अब इसका क्या फंक्शन है ये भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक तो बात हुई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की, अब इससे आगे ज़रा हम पॉलिनेशन को जो है वो थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन का, उसको डिस्कस करते हैं थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। और बेसिकली इसमें हाइबिस्कस फ्लावर को डिस्कस किया जाता है। सो हियर इन दिस कंप्लीट लाइफ साइकिल यू कैन सी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंथर से। यहाँ पर ये एंथर अगर इसको आप थोड़ा सा एलोंगेट करके देखें तो इसमें आपको एक सैक नज़र आएगा, और उसमें बहुत सारे छोटे 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 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मौजूद हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर, हियर एज यू कैन सी 2N। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस के प्रोसेस से होते हुए डिवेलप कर देंगे माइक्रोस्पोर्स को, और ये माइक्रोस्पोर्स जैसे ही इस सैक को भर देंगे, तो जैसे एक बैलून में एक गुब्बारे में आप पानी को भर दें और एक ख़ास लिमिट में जाने के बाद वो गुब्बारा मज़ीद पानी बर्दाश्त नहीं करेगा और बर्स्ट अप हो जाएगा, फट जाएगा, सेम इसी तरह से ये पोलन सैक भी जो है वो बर्स्ट अप हो जाएगा, और ये इसके अंदर जितने भी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बने हुए थे, या आप ये कह लें कि जितने भी हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बने हुए थे, ये हवा में डिस्पर्स हो जाएंगे। अब डिस्पर्स होने के बाद ये हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, या फिर इंसेक्ट के लेग्स पर लगने के थ्रू अपने नेक्स्ट फ्लावर तक पहुंचेंगे, अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि इस पोलन ग्रेन के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होंगे। आपको दो डिफरेंट इसमें न्यूक्लियाई नज़र आएंगे, एक इसमें कहलाता है जनरेटिव न्यूक्लियस एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एज द ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। और ये दोनों ही हैप्लॉइड इन नेचर हैं, और जेनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस को कलेक्टिवली मेल गैमेटोफाइट जनरेशन बोल दिया जाता है। यानी कि जैसे ही ये पोलन ग्रेन अपनी स्पेसिफिक कंडीशन को हासिल करने के बाद ग्रो करना शुरू करेगा, तो ये एक मेल गैमेटोफाइट जनरेशन या प्लांट बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ओव्यूल और द मैक्रोस्पोर। अब ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर यू कैन सी अ मैक्रोस्पोर मदर सेल विच इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। ये भी 2N है, नेचर में हैप्लॉइड है, और जैसे ही इसके अंदर मियोसिस होगी तो ये भी मियोसिस के प्रोसेस से होता हुआ एक मैक्रोस्पोर बना देगा जो कि अब हैप्लॉइड होगा। पहले ये डिप्लॉइड सेल्स थे और अब ये हैप्लॉइड बन जाएगा। जैसे ये हैप्लॉइड मदर सेल फर्दर माइटोसिस करके ग्रो अप करेगा, तो ये एक फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। और इस फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन में
ये मैक्रोस्पोर डिविजन्स, माइटोटिक डिविजन्स के बाद यू कैन सी के टोटल जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा. ऊपर की तरफ आपको 3 न्यूक्लियाई नज़र आएंगे, नीचे की तरफ 3 न्यूक्लियाई नज़र आएंगे और सेंटर में भी 2 न्यूक्लियस नज़र आएंगे. अब ये जो सेंटर में 2 न्यूक्लियाई हैं, दीज विल बी कॉल्ड एज द फ्यूजन न्यूक्लियस. एंड रिमेंबर दैट ईच न्यूक्लियस इज़ हैप्लॉइड इन नेचर. और नीचे की तरफ मौजूद हैं एग सेल और ये भी है हैप्लॉइड इन नेचर. अब आ जाती है बात पॉलिनेशन के ऊपर. लेट्स डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन. पॉलिनेशन कैसे होगी कि इस लाइफ साइकिल में अब आप देखें कि जैसे ही ये मेल गैमेटोफाइट या ये पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक करेगा तो इसमें से माइटोसिस के प्रोसेस से होते हुए एक पॉलन ट्यूब बनेगी. ओवर हियर यू कैन सी ये पॉलन ट्यूब. इस पॉलन ट्यूब में अगर आप देखें तो स्पर्म सेल्स मौजूद होंगे जो कि हैप्लॉइड इन नेचर हैं और ये 2 स्पर्म सेल्स हैं. ये 2 स्पर्म सेल्स तब बने जब जो है वो जनरेटिव न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन हो गई थी. ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस जो कि एक था वो 2 स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा जबकि ट्यूब न्यूक्लियस एज इट इज़ ही रहेगा. अब जैसे जैसे ये स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होने के बाद एक ट्यूब बनाना शुरू कर देगा. ओवर हियर ये पिंक कलर की आपको ट्यूब नज़र आ रही है और इसमें से ये 2 छोटे छोटे डॉट्स जो हैं ये 2 स्पर्म्स आपको अंदर की तरफ ओव्यूल की तरफ या ओवरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं. ये दोनों स्पर्म्स अब जैसे ही ओव्यूल की तरफ पहुंचेंगे तो एक बार फिर से ये ट्यूब बर्स्ट अप हो जाएगी और स्पर्म्स जो हैं वो एग्स तक पहुँच जाएंगे. यहाँ पर आकर स्टार्ट होगी डबल फर्टिलाइजेशन. बेसिक चीज़ क्या है इसमें, डबल फर्टिलाइजेशन. अब इनमें से जो एक न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियाई आए हैं, ठीक है, इनमें से एक न्यूक्लियस जो है या एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज़ करके डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा. राइट ओवर हियर ये नीचे की तरफ, ठीक है, एक बन गया है डिप्लॉइड जाइगोट जबकि दूसरा न्यूक्लियस जो है वो सेंटर वाले सेल्स के साथ फ्यूजन कर लेगा और 3 या ट्रिप्लॉइड जो है वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा. पॉइंट टू बी नोटेड, 2 फ्यूजन्स हुई हैं इस पॉइंट पर आकर. एक फ्यूजन के रिजल्ट में जाइगोट बना है जो कि डिप्लॉइड है और दूसरे फ्यूजन के रिजल्ट में एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है जो कि ट्रिप्लॉइड है. ठीक है, अब क्योंकि ये 2 डिविजन्स हुई हैं इसीलिए इस प्रोसेस को स्पेसिफिकली डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कह दिया गया है. अब यहाँ पर जो जाइगोट यानी कि जो डिप्लॉइड जाइगोट बना है जब फर्दर ये ग्रो अप करेगा, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये जाइगोट डिवेलप हो जाएगा डिप्लॉइड एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो और साथ ही साथ जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बेसिकली ये आगे चलकर एक एंडोस्पर्म टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और इस एंडोस्पर्म टिश्यू का काम है कि ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है इसको इसने फूड प्रोवाइड करना है बाय स्टोरिंग द फूड. जैसे जैसे ये अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यू कैन सी हियर दैट दिस हैज़ बीन नाउ टर्म्ड एज सीड. ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर सीड कहलाता है. अब जो ओव्यूल है वो आहिस्ता आहिस्ता सीड बनना शुरू हो जाएगा, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती जाएगी. अब जैसे जैसे सीड्स मैच्योर होंगे तो ये भी और इनके एम्ब्रियो भी जैसे जैसे डिवेलप होते जाएंगे तो ये किसी और स्पेसिफिक पोजीशन में गिर के अच्छी एयर कंडीशन में और दूसरी कंडीशंस में जो है वो एक नेक्स्ट स्पोरोफाइट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर यही स्पोरोफाइट प्लांट फर्दर आगे और फ्लावर डिवेलप करेगा और उन फ्लावर्स में से उसी तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. सो दिस वॉज अ टॉपिक ऑफ explaining of sexual reproduction in flowering plants with specific discussion of double fertilization and alternation of generation. Hope to see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Allah Hafiz.